इट इज माई अटमोस्ट प्लेजर टू शेयर दिस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट. मतलब बोलते ना कि दिल जो है वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे खुश हो जाता है जब ऐसा कुछ होता है. एंड ऑनेस्टली दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट एक्सपेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर रीजन. दैट एक्चुअली क्या हुआ था, मेंबर ने जब हमें इन्फॉर्म करना था तो मेंबर ने हमें इन्फॉर्म करने के लिए जब मेल डाला तो शायद वो गलत आईडी पे चला गया, मिस टाइप हो गया. सो देयरफॉर हमारे पास में इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले नहीं आई, और मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई और इन्फॉर्मेशन कैसा है वो मैं बताता हूँ. तो सबसे पहली बात तो ये कि हमारी जो एक क्लासरूम स्टूडेंट रही है, एंड स्टूडेंट कहना थोड़ा अजीब भी लगता है, मेंबर्स है, सीए मेंबर है, तो उन्होंने डीसा एग्जाम के लिए हमारे से क्लासेस लिए थे. एंड द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ क्लास वाज August 6, 2021, राइट? एंड द टाइम एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन दिस मेल, वेरी वेरी क्लियरली स्पेसिफाइड. सो शी टुक क्लासेस फ्रॉम अस, एंड इट इज आवर अटमोस्ट प्लेजर एंड डिलाइट टू शेयर दैट शी स्कोर्ड AIR 2, राइट? तो उनको AIR 2 आया, और अभी जैन वाले एग्जाम में आया, जब जैन में डीसा का एग्जामिनेशन था. And she scored AIR 2, 83.5% marks है, 200 marks का exam होता है, it is all MCQ based, right? But it's a very difficult to clear exam, right? तो काफी लोग जो DISA करते हैं वो लोग जानते हैं कि DISA is one of the most difficult exams to clear post diploma, मतलब post qualification courses में CA के. And जब इनसे मेरी बात हुई थी तो I remember कि इनसे बात ही हुई थी कि she was from south of India, right? So she is from I'll just share it. So she is from Ernakulam, right? And she is from south India. So जब इन्होंने approach किया कि सर आपकी classes हिंदी में although, but मुझे समझ में आ रहा है and I can pursue these classes, right? So I gave my classes, basically humne sell kiye inko classes, and we have this. So she has been our student of online DISA classes, and inhone Jan 22 mein old syllabus mein clear kiya, and she got AIR 2, right? And she has also shared a result which is as such, jo ki aap dekh sakte hain. So Valli V, राइट, इनका सेकंड रैंक आया है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वैसे आप देखेंगे तो फर्स्ट एक नंबर ऊपर ही है, सो एक नंबर से ही फर्स्ट रैंक मिस किया है ऑल्दो. एंड सेकंडली द मार्क्स आर टू गुड. थर्डली इनके हस्बैंड का मुझे फोन आया था बिकॉज ही वांटेड टू परसू सीसा, राइट? सो ही वॉज टेकिंग सम गाइडेंस, बेसिकली उनको सिर्फ सीसा के बारे में कुछ गाइडेंस लेनी थी, एंड देन ही सेड दैट मेरी वाइफ को आपके से पढ़ के सेकेंड रैंक आया. सो दैट इज अ ट्रिमेंडस थिंग टू शेयर बिकॉज दिस इज अ पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स, एंड हमारे क्लासरूम का आप मान के चलिएगा कि बस सेकेंड एग्जाम ही लगा होगा, क्योंकि आपको पता है कि पहले कोविड के चक्कर में मेंबर्स का डीसा एग्जामिनेशन जो है वो कभी हेल्ड हुआ ही नहीं, राइट? तो उस चक्कर में एग्जाम होता नहीं था, तो ये दूसरा ही एग्जाम था डीसा का, तो हमारी कोचिंग का भी दूसरा ही एग्जाम था, एंड वी गॉट AIR 2 आउट ऑफ इट. सो सेकंड अटेम्प्ट हमारी कोचिंग का, मतलब सेकंड टाइम था, एंड वी गॉट अ सेकंड रैंक आल्सो. सो दिस इज सच अ प्लेजर टू शेयर, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आवर मेंबर दिस टाइम, क्योंकि स्टूडेंट्स तो हर एग्जाम में कुछ ना कुछ कैसे ना कैसा परफॉर्म करते ही है, रैंक्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी आते हैं, ESSM में काफी दफे हाईएस्ट भी आए, लेकिन जब कोई मेंबर लाता है और जब हमारे काम की तारीफ होती है उस लेवल पे तो बहुत अच्छा लगता है. एंड शी हैड दिस थिंग कि शी गॉट अ रैंक, राइट? सो दिस वाज जस्ट द सेकंड एग्जामिनेशन सिंस वी स्टार्टेड टीचिंग, एंड इन द वेरी सेकंड एग्जाम वी गॉट अ रैंक, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर अभी किसी को क्लासेस चाहिए तो एक चीज और, जो डीसा 2.0 है उसका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है ना? सो ऑब्वियसली सच मेंबर्स और स्टूडेंट्स, वॉट एवर वी मे कॉल देम, राइट, आप लोगों को सबको क्या रहेगा कि अगर सर हम पास नहीं हुए तो क्या हमें डीसा 3.0 पे रोल ओवर मिल जाएगा? तो जी हाँ, आपको मिल जाएगा, और टोटल हम 9 months की वैलिडिटी देंगे. सो इफ यू हैव योर एग्जामिनेशन लाइक मतलब 2 months फ्रॉम नाउ, राइट, सो यू कैन परसू दीज क्लासेस. क्लासेस 60 hours है डीसा 2.0, डीसा 3.0 70 hours. सो अगर जो भी रोल ओवर की चीजें हैं, जो भी एक्सेस लेक्चर्स हैं, वो आपको सब डीसा 3.0 के भी मिल जाएंगे. द प्राइस हैज बीन स्टेटेड, द नंबर हैज बीन स्टेटेड, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप क्लासेस ले सकते हैं इफ इन केस यू आर लुकिंग फॉर द क्लासेस. थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट वी हैव ऑलरेडी बीन रिसीविंग फ्रॉम द मेंबर्स ऑल्सो दिस टाइम, एंड थैंक यू फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स हू हैव बीन अटेंडिंग दिस वन. सो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत मजा आया आपसे शेयर करके कि हमारे यहाँ से इस बार रैंक है, एंड रैंक भी छोटी मोटी नहीं, मतलब AIR 2, ठीक है? सो थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय.
Thank you.